अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रॉम लाहौर एट द वीलॉग स्टूडियोज़। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहा हूँ। मेरे ख्याल टॉपिक्स तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बट ऐसी हम कोकेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जिसकी बहुत मैसिव इम्प्लिकेशंस हैं सेहत के लिए, इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए। और ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसको रिक्रिएशनल ड्रग के तौर पे लोग यूज़ करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल में फंस जाते हैं। टॉलरेंस, डिपेंडेंस, डोज एस्केलेशन होती है और ऐसा वक्त भी आ जाता है जब वो इसके बग़ैर नहीं रह सकते। तो आपको मैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता चलूँ। कोकेन इज़ डिराइव फ्रॉम द लीव्स ऑफ कोका प्लांट। ये प्लांट पाया जाता है साउथ अमेरिका के जो इंडिजिनस लोग थे, यानी कि जो वहाँ के बासी थे, इसको इस्तेमाल करते थे दर्द की रिलीफ के लिए या किसी हद तक नशे के लिए। इसकी एक्सट्रैक्शन कोकेन की तकरीबन 19th सेंचुरी में शुरू हुई। तो इसकी फार्माकोलॉजी या इसका केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे मैंने क्रिस्टल मेथ का बताया, ये डायरेक्टली उन एरियाज़ को जाके हिट करता है जो कि रिवॉर्ड सेंटर है ब्रेन का, जो कि डोपामीन के साथ लिंक्ड है। ये तमाम तर न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज़ करता है, यानी कि सेरोटोनिन को भी इंक्रीज़ करता है, डोपामीन को भी इंक्रीज़ करता है और एड्रेनलिन को, जो कि हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए लाजमी है एड्रेनलिन। तो उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स तो ऐसे हैं क्योंकि इट इज़ रिलेटिवली शॉर्ट एक्टिंग, so the effect wears off fairly quickly, so people can also crash as opposed to methamphetamine। इसकी जो half life है ना, कि system में थोड़ी देर की तरह के लिए रहती है। इसका जो euphoric effect है या जो increased energy वाली चीज़ लोग महसूस करते हैं, वो एक ज़बरदस्त high देती है, although albeit it is temporarily, और ये मैसिव सर्ज और डोपामिन की रिलीज़ के साथ होता है। तो फिज़िकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो इसके शॉर्ट टर्म फिज़िकल इफ़ेक्ट्स है, जैसे मैं बता रहा था कि ये स्टिमुलेंट है, तो इसमें हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है, तमाम तर वो चीज़ें आ जाती हैं जो इंसान जब एक्सरसाइज करता है उसमें आती हैं। प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, यानी कि अगर आप टॉर्च लेके इन लोगों के प्यूपल्स देखें जब ये एक्टिवली अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इनके पीपल्स वाइडन हो जाते हैं या चौड़े हो जाते हैं। दे में एक्सपीरियंस रिड्यूस एपेटाइट और इंक्रीज टॉलरेंस फॉर पेन। इनको दर्द महसूस नहीं होता अगर ये कोकेन ली हो और इनको काफ़ी सवेर चोट भी लगे या गिर भी जाएं, तो इनको वो उस लेवल का पेन महसूस नहीं होता, बिकॉज इट इज़ एसेंशली अ पेन किलर। तो रिस्क क्या हैं शॉर्ट टर्म यूज़ के? फाल्स, यू नो, शॉर्ट टर्म यूज़ और रिक्रिएशनल यूज़ में भी वेरी अपीलिंग टू सम, और इसमें शायद थोड़ी देर के लिए बहुत मज़ा भी आता हो, बट देर इज़ इनहेरेंट रिस्क कि आप इस चीज़ में फंस सकते हैं और एडिक्शन की के जाविये में आप जा सकते हैं। तो आपका बिहेवियर बहुत इरेटिक हो सकता है, आप अग्रेसिव हो सकते हैं, इरिटेबल हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं। You can be more prone to accidents अगर आप गाड़ी चलाते हैं कोकेन के इन्फ्लुएंस में, या और काम करते हैं या कोई मशीनरी ऑपरेट करते हैं। और गुस्सा में आना में बहुत कम टाइम लगता है, टू द एक्सटेंट दैट पीपल कैन बी वेरी वेरी वायलेंट एंड कैन कमिट क्राइम्स विद दे यूजली रिग्रेट लेटर ऑन इन देयर लाइफ व्हेन दे आर सोबर। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताया कि रिक्रिएशनल यूज़ से एडिक्शन जाती है, एडिक्शन से टॉलरेंस डेवलप होती है, टॉलरेंस से डोज एस्केलेशन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकदार बढ़ती जाती है। दिल के आर्जे मैंने पहले भी मेंशन किया, दोबारा भी करूँगा कि लॉन्ग टर्म कोकेन यूज़ इज़ डेट्रीमेंटल टू योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इससे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये जिस तरह बाकी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, दिमाग को भी अफेक्ट करता है। आपको मेमोरी लॉस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपकी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं रहती, और आपको और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स लाइक साइकोसिस, डिप्रेशन, ये तमाम तर पैनिक डिसऑर्डर और सेल्फ हार्म एंड सुसाइड और ऑल
things that can be quite easily correlated with cocaine use. अब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? इनफैक्ट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू कोकेन, बट ड्रग सीकिंग बिहेवियर और ड्रग प्रोक्योरमेंट व्हेन यू डोंट हैव द मनी टू डू सो कैन इज लिंक्ड विद क्राइम एंड वायलेंस. आप ड्रग्स शुरू में ख़ुद यूज़ करते हैं, फिर उसको बेचना शुरू करते हैं. जब बेचना शुरू करते हैं तो उसमें पैसे की लेन देन होती है और ड्रग कार्टेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो आपको चैन से जीने नहीं देंगे. सो यू नो द प्रोडक्शन ऑफ कोकेन राइट टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लिकेशंस फॉर सोसाइटी एंड यू नो एंड फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. अगर आप यहाँ कभी विज़िट करें जेलों को पंजाब में, तो आपको एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैदी ऐसे मिलेंगे जिनके पेटी क्राइम्स हैं रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड ड्रग एंड सब्सटेंस मिसयूज़. और उनका इलाज ऐसा सच तो कोई ज़्यादा होता नहीं है और सारी उम्र वो पड़े रहते हैं. ना उनके वकील आते हैं उनको छुड़ाने के लिए, ना उनके लवाकीन आते हैं. तो सोशल इम्प्लिकेशंस क्या हैं कि आप कोई भी दवा यूज़ करें, इलिसिट ड्रग एक एडिक्शन के हों, तो आपके सोशल रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं. आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाती है, आपके बच्चे एस्ट्रेंज हो जाते हैं, माँ बाप आपको ओन नहीं करते, जॉब्स आपके पास होती नहीं हैं. सो लिहाजा पावर्टी और होमलेसनेस इज़ वेरी इंटेग्रली लिंक्ड टू कोकेन यूज़. अब बताता जाऊँ आखिर में ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन. जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, ट्रीटमेंट जो है इसकी बिल्कुल मौजूद है. हमारे जो ये तमाम तर रिसेप्टर्स हैं इनको हम ब्लॉक करते हैं दवाइयों के साथ, और पूरा एक होलिस्टिक सी अप्रोच होती है जिसमें साइकोसोशल इंटरवेंशंस हैं. इनका नफसियाती इलाज भी मौजूद है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. इनको जो स्पेसिफिक बीमारियां हैं, ज़ेहनी बीमारियां, डिप्रेशन या साइकोसिस, उसका भी इलाज मौजूद है. तो दे आर वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग विद कोकेन एडिक्शन. अब लोग मुझसे ये कहते हैं कि जी हमारा इलाज बग़ैर दाखिल किए कर लें, तो अक्सर जो रिक्रिएशनल यूज़र्स हैं वो तो आते नहीं हैं. तो इलाज की कोशिश तो हो सकती है इन द कम्युनिटी डिटॉक्स, बट मोर ऑफन देन नॉट इनकी जो ट्रीटमेंट के आउटकम्स बेहतर होते हैं जब ये हस्पतालों में कुछ अरसे के लिए दाखिल हों. तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि द लॉन्गर दे स्टे एब्सटिनेंट इन ट्रीटमेंट एंड जो इनकी ड्रग अवेयरनेस की जो पहलू हैं उनको साइकोलॉजिकली एड्रेस किया जाए, तो दे आर मोर लाइकली टू बी एब्सटिनेंट. प्रिवेंशन एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है. इसमें सोसाइटी एट लार्ज, पीपल हु हैव रिकवर्ड, दे शुड कम फॉरवर्ड. स्टिग्मा को रिड्यूस करें, इसको हम बीमारी का दर्जा दें तमाम तरह एडिक्शंस को, ताकि इसकी रिसर्च में और इसमें इनकी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को ना देखा जाए बल्कि बाद में देखा जाए तो बेहतर है. लेकिन ये उतने ही बीमार हैं जैसे किसी को हार्ट डिजीज़ है या कैंसर ऑफ द कोलन है या कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट है. तो औरतों और आदमियों दोनों में ये कोकेन की एडिक्शन मौजूद है. तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, और ये एजुकेशन आपको राइट फ्रॉम चाइल्डहुड शुरू करनी चाहिए. ये हम ये नहीं करते कि हम एजुकेट करें तो हम इनके जहन में ये चीज़ें प्लांट कर देते हैं. दीज किड्स आर वेरी स्मार्ट, इनको शुरू से पता होता है कि ये क्या चीज़ें हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू थिंग्स दैट यू एंड आई डिड नॉट हैव व्हेन वी वर यंग. The internet explosion and the massive information that is out there on social media. So mental health problem bhi nahi kahunga. It actually brings about changes in the neurotransmitter. So it's a brain disorder. It should be seen as one. Aap jism ko aur dimag ko to leda nahi na karte. Jaise liver ke enzymes agar kaam nahi karte, to aap to usko nahi kehte ki uska koi dusra naam to nahi hai. जैसे ब्रेन की माइंड फंक्शनिंग, मैं तो कहता हूँ ये ब्रेन डिसऑर्डर एंड दे शुड बी सीन एज सच. तो इन कंक्लूजन हमने देखा है कि वाइड रेंजिंग इफ़ेक्ट्स हैं इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे, ख़ानदानों पे, केयरर्स पे, बीवियों पे, भाइयों पे. अगर एक इंडिविजुअल हमारे माशरे में ड्रग एडिक्शन का शिकार होता है तो पूरा घर उल्टा सीधा हो जाता है, पूरी कायनात बदल जाती है, ख़ानदान की पूरी रिसोर्सेज, एबिलिटी टू अर्न मनी, एबिलिटी टू सस्टेन रिलेशनशिप्स,
सेक्सुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तमाम तरह इंडिविजुअल की तबाह होती है और वो पूरे ख़ानदान को तबाही की तरफ ले जाता है। तो लिहाजा कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। जिस जो भी शख्स इस एडिक्शन में मुब्तला है, पहला काम उसको अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वालदैन को इन कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और वालदैन को इसको जज नहीं करना चाहिए इस इंडिविजुअल को। उसको बीमार शख्स का अगर दर्जा देंगे तो आप उसका सिद्के दिल से इलाज कराएंगे। मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल हैं चीज़ें ट्रीट करनी और बार बार ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप देखें, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका भी मुसलसल इलाज कराना पड़ता है। आपको अगर हार्ट डिजीज़ है, एक हार्ट अटैक हुआ, ये तो नहीं ना करते कि आप दूसरे तीसरे हार्ट अटैक के बाद इलाज मरीज़ का बंद कर देते हैं, उसको अस्पताल में नहीं लेके जाते। प्रॉब्लम हमारी समझ बूझ का है, हमारी अप्रोच है टूवर्ड्स ब्रेन डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ, वट एवर यू विश टू कॉल इट। तो इसका रूट कॉज हमें ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा को हमें एड्रेस करना चाहिए एंड टू क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द इंडिविजुअल टू रिकवर। सो इट्स अ बिट ऑफ अ जर्नी फॉर द पर्सन एंड देयर आर नो क्विक फिक्सेस हियर। सो आई वुड अर्ज यू टू टेक इन टू कंसिडरेशन वट आई हैव सेड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। You keep on watching this YouTube channel of ours, and if there are any questions or any queries, I'll be only too happy to offer any advice or information. Shukriya bahut bahut, khuda hafiz.